हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदे केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखो, न्यूमेरिकल सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर जो ले रहा हूँ वो उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, हार्ड। तीन टाइप के न्यूमेरिकल है। तो पहले टाइप का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं आपको, जैसे कल भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि संडे को मेरा नून पर 11 बजे 10 मिनट का क्या है, एक इंट्रो मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेरा एक, तो आपको सभी को अटेंड करना है। लाइव लेक्चर है, 10 मिनट का डेमो लेक्चर है मेरा वो। तो आप लोग क्या करना है, सभी लोगों को उस मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दिया मैंने, वो लिंक पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज़। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, जल्दी ज्वाइन हो जाइए, संडे तक हमको बहुत स्टूडेंट उसमें हैं कलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो पहले देखते हैं फॉर अ वीक एसिड देखते हैं। वीक एसिड फॉर्मूला क्या है, के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी, या फिर हम क्या हो सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपका, के ए अपॉन सी। ठीक है, के ए का मतलब होता है यहाँ पर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर, देखो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऐसे लिखते हैं, के लिख देते, तो ए रहा तो एसिड, बी रहा तो बेस, ऐसा कर देंगे। तो के ए मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड हो जाएगा, और के बी जो हो जाएगा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस हो जाएगा, बराबर है। फॉर्मूला वही है सेम, सिर्फ यहाँ के या के बी, तो के बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, ये वी बेस के लिए, तो के बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, के बी अपॉन सी। तो के बी मतलब होता है आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक बेस, ठीक है ना, और अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी का मतलब यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएमक्यू, या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है अभी वो आपका है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, और अगर आपको परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फा इनटू 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। फिर है हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स होता है एन इंटू अल्फा इंटू सी, एन मतलब आपका इसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं, ठीक है ना, एसिडिटी, और सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, आपको मालूम ही है सी का मतलब, अल्फा मतलब ये ऊपर लिख के रखे हुए हैं, तो इसका भी मैं नीचे लिख दूंगा, जो अलग अलग टर्म होंगे तो वो लिख दूंगा। तो यहाँ पर एन जो रहेगा अभी बाद में लिख दूंगा मैं, अभी मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के बाद मुझे हाइड्रोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ये थोड़े से कुछ फॉर्मूले जो टेक्स्ट बुक में क्लियर नहीं किए हुए, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूँ, बाद में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू होता है यहाँ पर एन इंटू अल्फा इंटू सी, नहीं तो फिर दूसरा यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू, ठीक है ना, स्क्वायर रूट क्या लेंगे, के ए इंटू सी, इतना फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर और देता हूँ मैं आपको। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोक्सीलाइन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोक्सीलाइन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है एन इंटू अल्फा इंटू सी, दूसरा फॉलो होगा हाइड्रोक्सीलाइन इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट क्या लिया हमने यहाँ पर, के बी इंटू सी। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का मीनिंग लिख के रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर डीएमक्यू, हाइड्रोक्साइड आयन का या हाइड्रोक्सीलाइन का क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सीलाइन इन मोल पर डीएमक्यू, एन मतलब एसिडिटी, अगर एसिड के लिखा है तो एसिडिटी, और के भी लिखा है तो बेसिसिटी, ठीक है ना। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएमक्यू, के का मतलब होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, और के भी होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, कर लीजिए इतना नोट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है फॉर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, मतलब दो सोल्यूशन दिए तब ये फॉर्मूला यूज करना है, मीन्स अल्फा वन स्क्वायर इंटू सी वन, फिर इक्वल्स होता है अल्फा टू स्क्वायर इंटू सी टू। अब यहाँ पे कुछ नोट बता रहा हूँ, सोल्यूशन में क्या लिखा रहेगा, देखो वहाँ पे लिखा रहेगा डेसीमोलर सोल्यूशन लिखा रहेगा, समझ लीजिए, तो फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो डेसीमोलर सोल्यूशन मतलब 1/10 m, या फिर 0.1 m लिखेंगे, या फिर 10^-1 मोलार। फिर देखो सेंटीमोलर मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1/100 मोलार मतलब 0.01 मोलार, या फिर बोलेंगे इसको 10^-2 मोलार, सिंपल टर्म्स है। फिर मिली मोलर सोल्यूशन मतलब 1/1000 मोलार मतलब 0.001 मोलार मतलब 10^-3 मोलार। फिर सेमी मोलर मतलब हाफ मोलर 1/2 मतलब 0.5 मोलार, और मोलर सोल्यूशन मतलब 1 मोलार। देखो ये टर्म आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं, आपको जो टेक्स्ट बुक पढ़ के देख लीजिए आप, तो ये सब जो उसके MCQs देखकर मतलब उसके क्वेश्चन देखकर MCQs मतलब आपको ये बोर्ड के लिए काम आएगा और CET के लिए काम आएगा, इतना अच्छा मैं इसको बनाकर रख लिया है, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट जल्दी से। चलिए आप करते हैं इस पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या लिखा है देखो यहाँ पर,
डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁴। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है? के एसिड है ना, तो के होगा, बेस होता तो के बी, तो ये के दिया रहा है। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा आपको निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एम कितना, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन दिया। तो गिवन आप देख के लिख लीजिए, के की वैल्यू लिख दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया और अल्फा आपको निकालना। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपके के दिया मतलब और सी दिया, तो मतलब अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या होगा, के अपॉन सी। के की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इसको कट कर दिया, तो हो गया आपका 1.8 × 10⁻³ कितना, 3 हो गया। अब ये हमेशा याद रखना, ये जो पावर होते हैं इसको इवन करना है, 4 या 6, इवन में होना, 3 है तो 4 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको फिर हाफ करते आता है, तो मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, तो हो गया 10⁻⁴, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, 18 का लॉग देखूंगा मैं, ये 18 है सॉरी 10 नहीं 18 का लॉग, 18 का लॉग कितना आएगा, 1.553। ये लॉग टेबल से देख के लिख लीजिए आप, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उसको 2, ये जो आयरन लॉग, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है स्क्वायर रूट है, इसलिए 2 से डिवाइड करना, उसको 2 से डिवाइड किया तो आएगा 0.6276। अब उसका देखना आपको एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब 62 के 7 और 6 मीन डिफरेंस। लॉग कैसे देखना, 18 का 0 देखना पड़ेगा आपको, है ना, 18 का 0 देखेंगे तो इतना दिखेगा आपको। और यहाँ पे डिजिट कितनी, 2 डिजिट, 2 का 1 तो 1 पॉइंट, ठीक है ना, आ जाएगा करते। तो एंटी लॉग देखिए अपना इतना आंसर आ गया, बस हो गया, बन जाएगा आपसे ये। इस टाइप से आपको ये कर लेना है यार, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी आ जाएगा, देख लीजिए। ये इसका हाफ क्या है, देखो 10⁴ का हो गया 10⁻², हाफ हो गया, और लॉग की वैल्यू कितना है, 4.242, ये लिख दिया मैंने, ये वाली हो गया, सिंपल है ना। तो देखो ये इसका स्क्वायर रूट को कैसे करना है, आपने जो इसके अंदर कितना है स्क्वायर रूट के अंदर 18 है, तो मैंने 18 का लॉग देखा, मतलब 18 का 0 ये लिखा मैंने वाली, तो दो डिजिट है उसमें 1 पॉइंट, ये आपका लॉग देख, 18 का लॉग 0 में आता है 2553, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 0.6276, फिर उसका एंटी लॉग देखना, हो गया आंसर आ गया, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁵। कैलकुलेट क्या करना है आपको यहां पर, पहला देखो दो क्वेश्चन इसके अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और दूसरा आपको करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, दो क्वेश्चन इसके अंदर कर दिए मिक्सिंग करके, ठीक है। तो गिवन में देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पे सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है 1.8 × 10⁻⁵, ये दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, ये दे रखा है 0.1 मोलर, दो ही चीज देखा है। कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, दो करना है। तो पहले हम करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या है यहाँ पर, के अपॉन सी, के की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁵ और सी की वैल्यू है 0.1। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसका एक पॉइंट से ये पॉइंट कट कर दिया, तो 18 × 10⁻⁵। अब इसको इवन बनाना है तो मैंने फिर पॉइंट लगा दिया, तो एक जीरो कम हो गया, तो मतलब 10⁻⁴ हो गया, इसको हाफ कर दिया था, हाफ किया तो 10⁻²। तो मुझे क्या करना है अभी, 1.8 का लॉग देखना है, तो इसका आता है 0 पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे 1 पॉइंट के पहले 1 डिजिट है इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका 18 का 0 देख लीजिए आप, तो 2553 आता है, और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.1276, फिर इसका एंटी लॉग देख लो आ गया 1.342 आ गया, लॉग टेबल देख लीजिए, तो ये आ गया आपका अल्फा, ठीक है ना। ये 10⁻², यहाँ से हाफ करें उसका, फिर सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है आपको, लॉग देखना है आप, 2 से डिवाइड करना है, फिर बाद में उसका एंटी लॉग देखना है, ठीक है ना। फिर परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 10⁻²² है फॉर्मूला का, तो अभी हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, अल्फा रख दिया इंटू 10⁻², तो अभी क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, अब बचा 1.342 ये आ गया, तो अल्फा निकल गया और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दोनों निकाल दिया, इजी है। अब हो सकता है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन किसी में दिया तो वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल, तो मैंने वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला डाल के रखे हुए, तो आप पहले वो सारे फॉर्मूले मतलब तो बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, और उतना आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखकर मैंने किए हुए, तो दो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पैटर्न आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, लगा तो फिर बाद में और देखेंगे, फिर अगर प्रैक्टिस करना हो तो मुझे बताइए, कमेंट्स करके डालिए, तो पहले एक बार खत्म कर दे दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके एक बार, कैसा बच्चों को आना चाहिए, और टेक्स्ट बुक सॉल्व क्वेश्चन कीजिए और पीछे के अनसॉल्व, बस और कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन करके जाने हैं, तो ठीक है ना, टेक्स्ट बुक के सॉल्व और पीछे के बैक साइड एक्सरसाइज के अनसॉल्व, बस बाकी कुछ ना, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ कभी कभी वैल्यू चेंज करते हैं, कभी कभी सेम दे देते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि आपको मेरा, मुझे क्या नून पे मेरा डेमो लेक्चर है, आपको मालूम है ना,
संडे को 11 बजे। तो सभी बच्चे प्लीज इसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, और हम बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है इसके अंदर, क्योंकि वो फ्री है लेक्चर्स आपको, फिर उसमें भी तो उसके अंदर पढ़ाऊंगा, इसके अंदर पढ़ाऊंगा, आपको डबल बेनिफिट होगा, और उसके अंदर हो जाना चाहिए आपका। तो सब लोग ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके, उस लिंक के थ्रू आप जाके ज्वाइन हो जाइए इस ग्रुप के अंदर, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा बाय। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में कल इस पर डालता हूँ, ठीक है ना। अभी पी एच पे करने, उसके बाद फिर आपका किस पर है, सॉलिड प्रोडक्ट में, तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए बेटा पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, ठीक है ना। हो रहा है ना बेनिफिट, बच्चे देख रहे बोल रहे, बेनिफिट हो रहा है बोल रहे हैं मुझे, ठीक है ना। चलिए बाय।